ठीक है सर। एग्रीकल्चर में है ये स्कीम कट फ्लावर की जो है ना, जितने भी लोरी से पहले पहले इसकी चीज चला के पहले सर आप और कोशिश करो कि लोगों को शाम को जहाँ अट्रैक्ट करने की या अपना कोई बंदा भी जहाँ देखो कितने सुंदर किनार है यहाँ सर जिस टाइम लाइट जाती है उस टाइम सब ऐसा कोई प्रोविजन है कोई नहीं कर रहे हैं देखो फोन खुला हुआ है उधर से लीड यहाँ डी साहब को मैंने कहा जाएंगे यहाँ इन्होंने ये प्रयास किया कि ट्यूलिप जो हॉलैंड में ज्यादा था फिर उसके बाद तस्वीर में लाया तो उसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ से भी पुलिस से भी लोग जाते थे। इन्होंने एक कोशिश की है कि छोटे से जो पार्क है इसमें इन्होंने लगाए हैं तो इन्होंने मैंने एक आपके माध्यम से आपकी जो है चैनल से सुना कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ यूथ ये कहने लगे कि हम कश्मीर जाते थे देखने के लिए हमें पुंछ में मिला तो इसलिए फिर मैंने भी इनसे कहा सुबह एक फंक्शन में हम मिले तो हमने कहा आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए तो अब उनको पता चल गया कि यहाँ क्या क्या डिफ़िकल्टी है कैसे है इसको कैसे करना है। यहाँ के जो फ्लोरिकल्चर चीफ फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हैं तो उनको भी बड़े बड़े नॉलेजर में उन्होंने भी कटिंग शटिंग लगा के यहाँ पर जो है ना लोगों में अवेयरनेस के लिए कहा जैसे जिस तरह से कट फ्लावर का कहा कि कट फ्लावर लगना चाहिए बूटा यहाँ पर लगना चाहिए मैरी गोल्ड जो है ना उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी फ्लावर का सिलसिला है वो यहाँ पर लगाए। देखिए अभी भी कुछ बुके दिए जाते हैं कभी कुछ जो VIPs में आते हैं जम्मू से मंगाने पड़ते हैं। हमारा पुंछ में मैं चाहता हूँ कि इस फ्लोरिकल्चर की वजह से पुंछ में जो है ना उन बुके भी मिले और यहाँ पर जो है ना ग्रीनरी हो ये फूल ही फूल हो ताकि जो है इस पुंछ की खूबसूरती में और बढ़ाओ। आज का विजिट है इसका मुख्य उद्देश्य था कि आपने भी देखा यहाँ ये ट्यूलिप का डिमॉन्स्ट्रेशन लगाई गई है और आपने पहले सुना होगा कि जो ट्यूलिप की कल्टीवेशन है या तो यूरोपियन कंट्रीज़ में है या कश्मीर में हुआ करती थी तो पुंछ में भी जो क्लाइमेटिकली कश्मीर से मिलता जुलता है तो वहाँ के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी ये निर्णय किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन लगाई है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन का जो मकसद होता है कि किसान जो आए या जो नौजवान बच्चे आए इसको देखें इसको सीखें कि कैसे लगाया जाता है और फिर सीख के जो है डिपार्टमेंट की मदद से अपने गांव में अपने खेतों में इसकी खेतीबाड़ी करें। आप जानते ही हैं कि भारतीय सरकार का ये कृषि जो मंत्रालय है उसका निर्णय है कि हमें जो किसानों की आय है उसको दोगुना बढ़ाना है तो किसानों की आय जो है वो दोगुना सिर्फ जो ट्रेडिशनल खेती है वो करने से नहीं हो जाएगी। अगर कोई मक्की उगाता है तो मक्की उगाता रहेगा गेहूं उगाता रहेगा या चावल उगाता रहेगा तो उससे कभी भी जो आय है वो दोगुना नहीं हो जाएगी जब तक उसकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक किसान को ये देखना है कि उसकी कितनी ज़मीन है उसमें उसको अलग अलग जो है वो गतिविधियाँ करनी हैं उसमें उसको डेयरी फार्मिंग भी करनी है अगर कहीं फिशरी हो सकती है फिशरी भी करनी है और उसको जो है फ्लोरिकल्चर का भी काम करना है उसको एग्रीकल्चर की जो डाइवर्सिफिकेशन होती है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है जैसे उसको ऑर्गेनिक में जाना है या वेजिटेबल्स ग्रो करनी है कट फ्लावर का बिजनेस करना है
तो इन सब एक्टिविटीज़ को उसको एक साथ लेना पड़ेगा उसकी ज़मीन के हिसाब से, तो तभी जाकर जो है किसान की जो आय है डबल होगी। इस चीज़ के जो विभाग हैं, चाहे वो कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर का विभाग है, या इसका फिशरी का, एनिमल हस्बेंड्री का, या फ्लोरिकल्चर का विभाग है, वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ है। बहुत सारे किसान हैं जिनकी आय दुगनी ही नहीं बल्कि 5 गुना 6 गुना बढ़ गई है, जिन्होंने इस डाइवर्सिफिकेशन को समझा है और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि पुंछ ज़िला दूरदराज का ज़िला है, और ये मैं आपके माध्यम से जो विभाग हैं उनको भी ये संदेश देना चाहूँगा, और जो किसान हैं हमारे उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि वो भी ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, विभाग जो है किसानों के साथ मिलकर काम करें, और किसान जो है जो उनको सीखना है, जो समझना है, वो विभाग के पास आएं, ये एक साथ तालमेल बैठा के जो है डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर की करें, और अलग अलग गतिविधियां करके अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाएं, ना कि 2 गुना कई गुना बढ़ाएं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कृषि क्षेत्र राज्य में टाइम से यहाँ पर पूछ के लोग इसे फोन करें, कई बार यहाँ पर कितनी बार टेंडर हुआ लेकिन अभी तक नहीं चले, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, जो आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है मैं इससे बात कर लूँगा, लेकिन अगर कोई फैसिलिटी नहीं है या डिसफंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसको हम जो प्रयास कर रहे हैं।